अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर फ्रॉम 5G प्रॉपर्टीज़। आज हम लोग जिस ब्लॉक का ओवरव्यू कर रहे हैं वो है ओवरसीज़ 1 हार्मनी ब्लॉक। इसको सोसाइटी ने बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन इसको अलॉट की है। इसका मास्टर प्लान को स्टडी करते हैं ताकि आपको लोकेशन का आइडिया हो। सेक्टरी ओवरसीज़ 1 के सामने इसकी लोकेशन आ रही है। इसका मैप को अगर स्टडी करें तो एक स्कूल है शुरू में 3.86 कनाल का, और इसके साथ ही एक मस्जिद है 3 कनाल की। इसी तरह 20x40 जो कि 3.5 मरला का प्लॉट की कटिंग है, इसी में आपके प्लॉट्स एंड विला अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। उसी के साथ नीचे 25x45 यानी 5 मरला के आपके विला अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। ऊपर जो रिजर्व्ड एरिया सोसाइटी यहाँ पे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ लॉन्च करेगी। आगे आगे जाते रहें तो ऊपर आप ये देख सकते हैं 25x36 यानी 4 मरला कमर्शल की रिवर फेसिंग आपको प्लॉटिंग मिल रही है। यहाँ बड़ी ही प्राइम लोकेशन बनती है इनकी, अगर इनको ऑन ग्राउंड आप देखें रिवर फेसिंग। इसी तरह 25x45 की फिर नीचे कटिंग आ गई है विला अपार्टमेंट्स की, और इसी के साथ एक ग्रीन एरिया रिजर्व आ रहा है सेम रिवर फेसिंग। यहाँ आपको मिलेगा रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, होटल्स रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे आएंगे। इसी तरह एक छोटा सा राउंड अबाउट, और इसके साथ ही वापसी की तरफ अगेन 5 मरला विला अपार्टमेंट्स की कटिंग आ गई है। स्ट्रीट साइज 40 है और इसके ऊपर 3.5 मरला की कटिंग। अच्छा, एक ये यहाँ पे जो है ब्लू कलर में आपका ये मेन 20x30 यानी के 2.6 मरला कमर्शल जा रहे हैं, और इनके साथ इनकी पार्किंग भी है। और ये आपका ब्लॉक ई फेसिंग R1 फेसिंग रोड है जिस पे 20x30 के आपके कमर्शल्स की कटिंग आ गई है, और 25x36 यानी 4 मरला कमर्शल्स जो कि बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में सेल किए गए थे। 4 मरला कमर्शल, ये भी आपको बताता चलूँ कि स्मार्ट सिटी में बहुत ही कम 4 मरला कमर्शल ऐसे हैं जो कि मेन रोड फेसिंग है। राइट बॉटम साइड पे आप देखें तो ई सेक्टर आपको शो हो रहा है इसके विलास, और इसी के सामने से ये रोड अंदर जा रही है। ये आपका यहाँ से हार्मनी पार्क ओवरसीज़ 1 शुरू हो रहा है। यहाँ ऑलरेडी मशीनरी रिकॉर्डिंग के टाइम काम कर रही थी। और इस ब्लॉक की आज आपको जो ड्रोन फुटेज वो दिखा रहा हूँ, उसके दिखाने की रीज़न यही है कि इसकी लोकेशन आप देखें, आप इसको राइट साइड से आपको एक रिवर फ्रंट ऑलरेडी मिल रहा है, और इसको इन्होंने ऑलरेडी 50 फीट ऊंचा करना है इस रिवर को, वाटर फ्लो इसका बेहतर करना है। और यहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स होगी और फाउंटेन्स वगैरह जो चलेंगी वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि रिवर फेसिंग स्पेशली वो कितने ज़्यादा लकी हैं अच्छी लोकेशन के लिए, उनको बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन मिली है। ये देख सकते हैं आप नीचे मशीनरी खड़ी है, और थोड़ा सा आगे जाके तो जूम इन भी होगा जहां आपको पता लगेगा कि यहां पे कटिंग एंड फिलिंग चल रही है। रिवर फ्रंट पे आप ये भी देख लें कि यहां पे स्मार्ट सिटी जो है फ्लोटिंग सोलर पैनल्स भी लगाने का इरादा रखती है। वो जो राउंड अबाउट जो मैंने आपसे तस्करा किया था एक मैप में वो ये है। ये लैंड जो आप देख रहे हैं ये भी हार्मनी पार्क में नहीं है, राउंड अबाउट से जो अदर हाफ है वो इस जगह पे आ रहा है। कटिंग एंड फिलिंग का इधर भी काम चल रहा है, और ये सेंटर में जो है किसका ड्राइववे, और ये इसका 360 व्यू आप देख सकते हैं हार्मनी पार्क का। रिवर फ्रंट होने की वजह से इस ब्लॉक की जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लोकेशन है ओवरसीज़ 1
से भी ज़्यादा प्राइम समझी जा सकती है। गूगल अर्थ को आप अगर फॉलो करते हैं तो 2021 में उन्होंने अराउंड 60% ऑफ द अर्थ वर्क कंप्लीट कर लिया हुआ है, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है कंसिडरिंग द ट्रेन। बेल्टिंग के बाद जो है यहाँ पे वैसे भी प्राइसेस हाई हो जाएंगी और 2022 के एंड में आपको पोजीशन मिलने का भी चांस है। 2022 के एंड से आपको पोजीशन मिलना शुरू हो जाएगा। फरवरी 2022 में इसकी बेल्टिंग के बाद इसकी प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज आएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।